हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को ट्राई करके आपको पता चल सकता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु परपोर्ट ए मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी, स्क्लेडिंस क्वेन, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ रिको और मार्सिलो मर्फी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो मोस्ट ऑफ सोच रहे होंगे स्क्लेडिंस क्वेन, लेकिन गलत है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई है कि सेल थ्योरी आते स्क्लेडिंस क्वेन होगा, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन गलत पड़ा होगा उन्होंने कि मॉडिफिकेशन पूछा है। तो मॉडिफिकेशन तो रुडोल्फ विरकोन की थी, फाइनल शेप सेल थ्योरी को रुडोल्फ विरकोन दी थी, तो भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ओमनी सेलुला ए सेल्ले, दैट इज न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई। ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी और ये नीट में पूछा भी जा चुका है काफी बार। तो स्क्लेडिंस क्वेन होगा, रॉबर्ट ब्राउन होगा, रुडोल्फ विरको होगा और रॉबर्ट हुक होगा। कौन सा इसका राइट आंसर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर इसका रुडोल्फ विरको है। उन्होंने ही सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी और ये बात भी उन्होंने ही कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ कॉर्क सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन द बुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने देखा कि कॉर्क सेल्स की फिगर देखी उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने किस बुक के अंदर उसको पब्लिश किया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जेनरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम या माइक्रोग्राफिया। क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने ये सब किया था। नेक्स्ट है कि सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, हाँ अब आएगा इसका राइट आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, कि स्क्लेडिंस क्वेन है, लियोन हुक, रॉबर्ट हुक, मार्सिलो मालफीजी। तो जो एक क्वेश्चन पहला किया था उसके अंदर था कि भाई मॉडिफिकेशन किसने की थी, वो की थी रुडोल्फ विरको ने, लेकिन यहाँ पे पूछा कि सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड किसने की थी यानी दी किसने थी, तो वो थे स्क्लेडिन एंड स्क्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय, ठीक है, यानी जो ये इस टाइप के जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसने पहली बार स्टडी किया इनको, रॉबर्ट हुक ने किया, पास्टर ने किया, प्रिस्टले ने किया या लेवन हुक ने किया? तो लेवन हुक ने किया था, डी इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है कि द मोस्ट लाइकली मेथड यू टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल ऑर्गेनलीज, यानी सेल एक जो सेल है उसके जो सेल ऑर्गेनलीज होती है उनकी मतलब पूरी डिटेल यानी पूरी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी या माइक्रो डाइसेक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फेज कॉन्ट्रेक्ट माइक्रोस्कोपी? तो वहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है कि कॉलम मैच करना है, एक कॉलम के अंदर ये भाई साहब दिए हुए हैं, इन्होंने क्या क्या किया, इनके करतूत बताए गए हैं, तो वो हमको मैच करने हैं। तो लियोन हुक ने क्या किया था भाई? लियोन हुक ने कहा था कि मैंने पहली बार लिविंग सेल देखी है, तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट सा एंडिस्क्राइड लाइव सेल। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि उन्होंने डिस्कॉर्ड कर दिया न्यूक्लियस को, ठीक है। फिर स्क्लेडिन ने कहा कि जो ऑल प्लांट्स कंपोज्ड हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, और स्क्वेन ने भी कहा कि मैं भी तो कुछ कह दूं, तो उन्होंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक करेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का, तो ये बात कही थी स्क्वेन ने। तो ऑप्शंस मैच करें तो वो है भाई ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं, करेक्ट कौन सी होगी वो बतानी है। फर्स्ट है कि बेसिलर सबटिलिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अच्छा। फिर है इकोर्निया कोलाई इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फिर थर्ड है कि वाशिंग ऑफ ग्राम स्टेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल विच गेट्स डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन। भाई तीनों के तीनों ठीक है ये। तो ऑप्शंस कौन सा होगा? डी वाला होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाइड डैश देन द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कंपेरिजन किया गया है प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक सेल्स से। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है भाई वो तो छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं यूकैरियोटिक से, और वो मल्टीप्लाई करती हैं बहुत फास्ट, छोटी हैं तो उनको टाइम कम लगता है, फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उनका लाइफ स्पैन भी थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट है लेक ऑफ स्टोन नॉट इनवॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए ऑल ऑफ दिस। तो भाई एक प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड ये चारों के चारों तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सब के सब गुण प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई डैश, यानी पहले इसके अंदर हमको कुछ फिल करना है, आगे इसके बारे में कुछ उसका बायोडाटा दिया हुआ है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए के, और ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। तो उन भाई साहब का नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है? मेजोसोम है, प्लास्मिड है, न्यूक्लियोइड है, बैक्टीरियोफेज है। तो भाई वो भाई साहब हैं प्लास्मिड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार इन पूछा गया ये क्वेश्चन और आगे भी आ सकता है।
तो वीडियो के अंदर लगभग क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेंगी। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।